हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइस, आज हम आ चुके हैं स्कूल के जो वो लड़कों की आत्मा को मुक्ति दिलानी थी, और जैसा कि बाबा जी ने हमें बताया था कि आपको जो है वो मिट्टी जो है इस तालाब के अंदर जो है या पानी के अंदर उस मिट्टी को डालना है और फिर उसी तालाब का पानी लेकर आना है। सो गाइस, आज हम इस लोकेशन पर आगे देख सकते हो, हमारे पीछे एक तालाब है और ये पानी भरा हुआ है। तो वो जो मिट्टी है, जिस मिट्टी को हम वहाँ से लेकर आया था, उस मिट्टी को जो है हमें इसके अंदर डालना है और पानी लेकर जाना है और हवन करवाना है। ठीक है गाइज, तो गाइज चलते लेकर। और उससे पहले एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा गाइज, कि आप लोगों को पहले मैं कमेंट के शॉर्ट आउट देते, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर थे, तो फिर से हम वही क्रिया मतलब वही चीज़ शुरू करेंगे। और आप लोगों को जितने भी कमेंट करते हैं आप लोग, उनमें से कोई 3 लकी जो होंगे उनके हम कमेंट के शॉर्ट आउट देंगे। तो आप लोगों को करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कमेंट में आप कहाँ से हमारे वीडियो को वॉच करते हो, किस ज़िले से वॉच करते हो, वो आपको कमेंट में लिखना है, ताकि हम लोगों को पता रहे कि हमारी जितनी भी चाहने वाले हैं सब्सक्राइबर है, वो कहाँ कहाँ से हमारे लोगों को हमारे जो वीडियो है वो कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं। ठीक है, तो मोनू भाई, आज मोनू भाई और मैं ही आए, तो सबसे पहले जो बाबा जी ने बोला तो वो काम करते हैं, फिर उसके बाद जो हवन है वो करवाना। तो मोनू भाई जल्दी से आ जाइए, वो मिट्टी दे दीजिए मुझे। हाँ, वो उसके अंदर से। ओके सो गाइस, इसके अंदर है वो मिट्टी, तो चलिए इस मिट्टी को तालाब के अंदर हम बहा देते हैं। फिर यहाँ से मोनू भाई वो बोतल 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 है, आ जाओ। देखो गाइज, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये तालाब है, और यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों के जैसे जो भी मतलब ऐसे चीज़ें होते हैं, देखो नारियल वगैरह सब पड़े यहाँ पर, मिठाई के बॉक्स वगैरह। तो फिर देखिए कैसे गाइज, एक बार और बताना चाहूँगा कि ये तालाब भी हमारे यहाँ थोड़ा हॉन्टेड टाइप का ही तालाब है। तो चलिए देखो, यहाँ पर देख सकते हैं आप नारियल के टोटके वगैरह लोगों के जो भी होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ से नहीं करेंगे मोनू भाई, अपने एक काम करते हैं पानी, हाँ वहाँ से ले लेते, क्योंकि वहाँ पर देखो कोई और भी मतलब ऐसी चीज़ें हो तो फिर प्रॉब्लम कर देती है। तो चलिए इसको बहाते हैं, फिर यहाँ से पानी लेकर चलते हैं। मोनू भाई आओ अंदर जाओ। तो गाइस देख सकते हो कि जैसा गाइस बाबा जी ने हमें बोला था वैसा हमने कर दिया है। अब यहाँ से पानी लेना इस तालाब का, हाँ क्योंकि ये थोड़ी है ना ऐसा ही है थोड़ा, मैं देखकर मोनू भाई काम इसलिए करना है क्योंकि देखो ये तालाब है ना, यहाँ पर जैसे आपने अपनों देखा, चलो इतना पानी बहुत हुआ। तो गाइस हमने जिस जगह पर हमने जो है मिट्टी डाली, उसी जगह से हमने पानी उठाया। उस जगह से देखो, मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि गाइज यहाँ पर देख सकते हो आप नारियल लोगों के जैसे टोटके वगैरह होते हैं, ऐसी बलाएं बहुत सारी होती है जैसे टोटके वगैरह होते हैं, तो लोगों ने वहाँ पर डाल रखे। तो देखो किसी और बला को मुक्ति दिलाने के चक्कर में कोई और बला साथ में ना हो जाए, तो इसलिए हम उनको नहीं छेड़ते। और अब यहाँ पर ये थोड़ा हॉन्टेड ही है ये भी, तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे साथ हम किसी को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए, और हमारे साथ कोई इंसान या मतलब कोई भी चीज़ ना आए, हम उन्हें इजाज़त नहीं देते, और हम आपको नुकसान पहुँचाने आप भी हमें नुकसान ना पहुँचाए। अब ये पानी लेकर जो है यहाँ से चलते, चलिए मोनू भाई, फिर इसके लिए अपने को हवन भी करवाना है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। जैसे गाइज कि बाबा जी ने बोला था कि आपको हवन करवाना है, तो हम हवन के लिए पूरी रेडी हो गए, और हमने जो है हमारे जो साधु बाबा है उनको भी लेकर आए, उनकी क्रिया से ही हम इस हवन को पूरा कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हवन की जितनी भी सामग्रियाँ बाबा जी ने हमें बोली थी, जैसे वो नारियल बोले थे, फिर उसके बाद ये करने का बोला था, और सबसे ज़रूरी जो था वो पानी था। तो मोनू भाई वो पानी दिखा दो, हाँ ये वाला पानी। तो इस पानी को हमने गिलास में ले लिया था, बाबा जी को मैं पूरी क्रिया बता देता हूँ। बाबा जी ये वाला वो पानी है जो हमने उस तालाब से लाया था, और इस तालाब के अंदर जो भी वहाँ तेरी बंद कैसे हो रही है। सो गाइज पानी हमने ले आया, अब हम इसका हवन करवा के जो है उस आत्माओं को जो यहाँ पर बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाबा जी ने हमें बोला था कि उन चारों बच्चों की मुक्ति के लिए हमें जो एक हवन करवाना होगा। तो हमने साधु बाबा जी से पूछा, तो इन्होंने बोला कि 2 नारियल लाने, आपको एक लाल कपड़ा लेकर आना है, तभी हम हवन की क्रिया को शुरू करके उन बच्चों की आत्मा को बुलाने की कोशिश करेंगे। तो बाबा जी जैसे ये है वो पानी है जो तालाब से हम लेकर आए, और हमें बाबा जी ने बोला था कि जो मतलब मिट्टी थी उस तालाब में डालनी है, तालाब का पानी लेकर फिर हवन करवाना है। तो बाबा जी आप हवन की प्रक्रिया शुरू करिए, और जो 4 बच्चे थे उनकी
आत्माओं को मुक्ति दिलाने की कोशिश करिए, और वहाँ से जो वो स्कूल में बच्चे भटकते हैं, हम चाहते हैं कि उनकी आत्माओं को जल्द से जल्द जो है मुक्ति मिले। तो बाबा जी आप अपनी क्रिया शुरू करो ताकि हम उस बच्चों की आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति दिला सके। हैदर भाई इसको ऐसा करो। जी, गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर हवा तो इतनी नहीं, फिर भी जैसे फड़फड़ा रही है। तो दोस्तों बाबा जी की क्रिया शुरू हो गई है। हैदर भाई, हैदर भाई मेरी बात सुनो, आपको ना डरना नहीं है, ठीक है? ऐसे कुछ भी ऐसे क्रिया में कुछ चीज़ें ऐसी हो भी सकती है जिससे अपने को आपको डर लगेगा, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है? जब तक क्रिया पूरी नहीं, यहाँ से क्रिया छोड़नी नहीं है। गाइस देख सकते हो आपके बाबा जी जो है क्रिया के लिए, जो उन चार बच्चों की मुक्ति के लिए क्रिया कर रहे हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि उस आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल जाए। क्या मत कोई बात में हावी होने की कोशिश कर रही है। जब तक क्रिया पूरी ना हो कोई हटना मत अपनी जगह से। छोड़ दे उसे, उसे और भाई खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ रबत भाई, रबत भाई क्या रबत भाई उठो। अरे जी वो आत्मा हावी होने की कोशिश कर रही थी। बाबा जी जल्द से जल्द क्रिया करिए, मेरे शरीर पे रटे कर रहा। जा 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 जा, अरे वो सामने वो खड़ा, सामने सामने वो खड़ा सामने खड़ा वो सामने खड़ा, वो देख सामने खड़ा। अरे ये शैतान खड़ा ये खड़ा। अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं है। शैतान खड़ा यार, कुछ नहीं है। शैतान खड़ा यार, नहीं है सर, ये खड़ा यार। अरे कोई नहीं है। अरे साहब क्या कर रहे हो? शैतान खड़ा है। अरे कोई नहीं। ये गुस्सा, अरे नहीं, दीवार में गुस्सा। अरे यार दीवार में गुस्सा। अरे कहां पे दिख रहा है? मेरे को नहीं दिख रहा है इस दीवार के अंदर गुस्सा। अरे नहीं है। कुछ नहीं है।
छोड़ दे उसके शरीर को। उठा दे इसको। अरे यार अभी जी क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात में हावी हो रही थी जी बाबा जी, मैंने अपनी क्रिया पूरी कर ली है, अब वो नहीं आएगी जी बाबा जी। हाँ भाई जी, आपने उनके लिए हवन पूरा किया? हाँ मैंने अपना हवन पूरा कर लिया। अब जब तो परेशान नहीं करेगी? अब बिल्कुल परेशान नहीं करेगी वो। शुक्रिया शुक्रिया बाबा जी। अब जी आपकी इजाजत हो तो ये हम सब हटा दें। मोनू भाई ये हटा दो, कैमरा इन हैदर भाई को दे दो। हैदर भाई कैमरा ले लो। मोनू भाई हटा दो, सब कुछ हटा दो। ये आपका हटा दो बाबा जी, हटा दो। मोनू भाई ये सब कुछ हटा दो, कैमरा बंद कर दो जी। जी हाँ कैमरा बंद कर दो, इधर ले लो, इधर ले लो। मोनू भाई ये बाबा जी इधर, हैदर भाई इधर, मेरी तरफ लो, मेरी तरफ मेरी। सो गाइज क्रिया और हवन जो पूरी तरह से हो गया, लेकिन मुझे काफ़ी वीकनेस फील हो रहा है, और बाबा जी ने बोला है कि उनका हवन क्रिया पूरी होगी, और बाबा जी अब तो वो आत्मा परेशान नहीं करेगी। अब नहीं करेगी आपको परेशान जी। बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज अब मिलते हैं अगले पार्ट में, क्योंकि मुझसे पता नहीं क्या बोला भी नहीं जा रहा है। हैदर भाई कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो।